तूल है कि यहां पर कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती है। एक चीज आती है, थोड़े दिन रुकती है, चली जाती है, वो जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है। ठीक ऐसे ही एक चीज थी फिजेट स्पिनर। आपको पता होगा कि यार एक टाइम पे कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ था, हर एक आदमी के पास फिजेट स्पिनर होता था, हर बच्चा बस टर 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 फिजेट स्पिनर फिजेट स्पिनर। लेकिन अभी मतलब यार जैसे गुम हो गया, जैसे कि लुप्त हो गया है फिजेट स्पिनर, मतलब क्रेजी खत्म हो गया। लेकिन गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फिजेट स्पिनर के बाप के बारे में। जी हाँ, एक नया टॉय, एक नया गैजेट। तो गाइज यार ये है वो कमाल की चीज़। और गाइज यार आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये जो चीज़ है ये कितनी कमाल की है या फिर इसके अंदर कितना मजा आता है। करें अनबॉक्सिंग। बॉक्सिंग बैंग। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मतलब सेम वैसी पैकेजिंग है जैसे कि मेलों के अंदर होती है खिलौनों की दुकानों पे या फिर किसी खिलौने वाले की दुकान पे। बस ये कि थोड़ा सा अलग टाइप का खिलौना है, अलग टाइप के गैजेट है। देखो तो इसके अंदर बेसिकली दो है यार, मैंने सोचा था सिर्फ एक होगा। पहला कुछ इस तरीके का है, देखो देखो कुछ इस तरीके का, देखने में तो ऐसा लग रहा है यार जैसे किचन का कोई सामान हो, रसोई वसोई का। ऑलराइट, तो पहले इसे खोल के देखते हैं, इंतजार नहीं होता है। वाओ ये क्या है यार, ये का लट्टू है क्या? हाँ देखो लट्टू है क्या, चला के देखते हैं। अब दिखाता हूँ मैजिक। ये जो दोनों इसके पोल हैं ये मैग्नेटिक है, अब देखना टन टन है ना मस्त चीज। और अभी देखना और मैजिक, देखना वो देखो वाव, थोड़ी रफ्तार बनाते हैं। वाव देखो ये गिर नहीं रहा यार, देखो वाव है ना मस्त चीज। देखो वाओ यार ये तो सच में मस्त है, देखो वो तेरी दो। जबकि इसके अंदर आई थिंक कोई मोटर वोटर नहीं है, बस इसके अंदर कोई जायरोस्कोपिक सेक्शन या ऐसी कोई चीज है जो कि इसे रेगुलर घुमाती है। बाकी इसके अंदर सेल है और एक लाइट है छोटी सी एलईडी, इसे रखते हैं। वाओ यार ये चीज तो मस्त थी। अब देखो ये थोड़ी अलग दिख रही है यार, देखो कुछ इस तरीके की है और इसका नाम है जायरो व्हील। वाओ नाम तो काफी साइंटिफिक है। इसे खोल के देखते हैं कि ये कैसी चीज है। ये कुछ अलग है यार, देखो है ना। और इसके अंदर यहाँ पर ये क्या है यार, ये किस चीज के लिए, क्या ये सेल वगैरह डालने के लिए है या फिर पता नहीं। ये तो बिल्कुल इसकी तरह लग रहा है बेबलेड, वो एक पहले कार्टून नहीं आता था उसके अंदर बेबलेड होते थे उसकी तरह। ये भी लट्टू की तरह घूम सकता है। अब इसे इसके अंदर डाल के देखते हैं। तो गाइस यार उसके अंदर तो आपने देखा कि अरे चलो, जैसे कि इसके अंदर इसे रखते ही लाइट जल गई थी, इसके अंदर ऐसा नहीं है। मे बी इसके अंदर कोई और सिस्टम। वाओ अच्छा ऐसा है, बाहर रखना था, अब यह है ना समझ में, अब चलेगा। ओ वाओ वो जल गई लाइट, जल गई। अब कैमरे में लग जाएगी। बहुत तेज घूम रहा है यार ये, ओ ऐसे भी घुमा सकते हैं। ओ तेरी इतना, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि मेरे हाथों के अंदर वाइब्रेशन हो रहे हैं। ओ देखो ये सच में बहुत तेज घूम रहा है यार, देखो अच्छा एक सर्टेन स्पीड के ऊपर जाने के बाद ही इसके अंदर लाइट्स जलती है, वो जलने लग गई। अच्छा ये इसके अंदर जो पीसीबी बोर्ड है, मे भी इसके अंदर कोई छोटी मोटी प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से ये इस तरीके से चलता है। और गाइस इसके साथ में हम एक और ट्रिक कर सकते हैं, जैसे ही ये फुल स्पीड पे हो इसे हम लट्टू की तरह भी चला सकते हैं। वाओ
ये क्रेजी स्पीड से घूमता है यार। तो गाइस यार ये था जायरो व्हील। आई होप आपको भी काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप अगर खरीदना चाहे तो इसे खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। बाकी आपने देख ही लिया है कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, ऐसा कोई टॉय है। मज़ेदार तो है यकीनन अपन तो थोड़े से बड़े हो गए, बच्चों को तो इसमें खतरनाक मज़ा आएगा यार। अगर आप बच्चों को इसे खरीद के दे दें यकीनन भाई उनका तो अलग ही लेवल होगा। तो गाइस यार आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छी जरूर लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और तेज और तेज और तेज और तेज।